की एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा है, जिसमें जो भी मेन कल्प्रिट जो कि आइडेंटिफाइड हुए थे 15 तारीख की रात वाली घटना में, जिनके खिलाफ में मुकदमा लिखा गया था, उनका सबका नाम देते हुए और वीडियो और फोटो एविडेंस देते हुए जिला प्रशासन के द्वारा जो है, जिला पुलिस के द्वारा एक लेटर जो है वहाँ पे कम्युनिकेशन जो है भेजा गया है एमयू प्रशासन को कि इन सबको जो है रेस्टिगेट करें, उनके खिलाफ में कार्रवाई करें। सर कितने छात्रों के खिलाफ? इसमें जो है अब तक 12 को हमने चिन्हित करके जो है भेजा है, जो कि वर्तमान में वहाँ पढ़ रहे हैं, उनके खिलाफ में कि इनके खिलाफ में जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कोई ना कोई कार्रवाई करें। तो जिला बदर की भी कार्रवाई की जा रही है? नहीं, और बाकी जो वहाँ पे 4 लोगों को जो कि बाहर के थे, जो कि एक्स एमयू के स्टूडेंट थे, जो कि अब की एमयू में नहीं है, और वो उनके द्वारा एमयू में आकर के इस तरह से लीड किया गया था, तो उनके खिलाफ में जो है, और उनके खिलाफ में विभिन्न मुकदमे भी हैं, केवल ये मुकदमा नहीं है, उनके आपराधिक इतिहास भी रहा है, जैसे कि आमिर मिंटो है, वो खुद क्रिमिनल रहा है और उसका आपराधिक इतिहास रहा है। ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित करके और उनके खिलाफ में गुंडा एक्ट के तहत में कार्रवाई।